षष्ठः पाठः। षष्ठः का अर्थ है छठा। षष्ठः का अर्थ क्या है? छठा। पाठः, पाठः का अर्थ है पाठ। अब देखो पाठ का नाम है करण कारक है। जो आप कारक पढ़ रहे हो ना, कितने कारक होते हैं? छह कारक होते हैं और सात विभक्तियाँ होती है। उनमें से कौन सा कारक है? ये छठा कारक है, संबंध कारक। कौन सा कारक है? संबंध कारक, सॉरी तीसरा कारक है। कौन सा कारक है? तीसरा कारक है जिसमें तृतीय विभक्ति होती है, ठीक है। इसका नाम है करण कारक है। क्या नाम है? करण कारक है, करण कारक। अब देखो आप पाठ क्या कहना चाह रहा है, जिसपे तीसरी विभक्ति आएगी। कौन सी विभक्ति आएगी? तीसरी विभक्ति। जैसे आप किसी कार्य को कर रहे हो या किसी के साथ जा रहे हो, जैसे राम पिता के साथ बाजार जाता है, तो राम किसके साथ जा रहा है? पिता के साथ जा रहा है। जिसके साथ आप जो क्रिया कर रहे हो उसमें कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीय विभक्ति, ठीक है। आपको देखो तृतीय विभक्ति, आप सोच रहे होंगे कौन सी विभक्ति है, तो आपने पढ़ा होगा जो लास्ट क्लास थी आपकी सेवन्थ में या सिक्स में, कि जो विभक्तियाँ राम राम है, रामहु रामः, रामम रामहु रामन, ये जो राम शब्द के रूप, हरि शब्द के रूप होते हैं, ये कौन से होते हैं? शब्द रूप होते हैं। और इनमें जो विभक्तियाँ आती हैं वो कौन सी होती है? विभक्तियाँ कहलाती है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, जिस साधन के द्वारा, किसके द्वारा? जिस साधन के द्वारा। अब देखो आप इसका, जिस साधन के द्वारा क्रिया संपन्न होती है। आपको सीधी और सरल भाषा में सीखना है कि जिसके द्वारा, जो भी अपन कार्य कर रहे हैं उसके द्वारा कार्य पूरा हो। क्या हो? कार्य पूरा हो। आप देखो जो नोटबुक में वर्क करते हो, किससे करते हो? पेन से या पेंसिल से। तो आपको कार्य को पूरा करने में कौन सहायता दे रहा है? पेंसिल या पेन दे रहा है ना, हाँ। तो ये कौन सी विभक्ति हुई? पेन या पेंसिल में तृतीय। जिस साधन के द्वारा क्रिया संपन्न होती है, जिस साधन के द्वारा क्रिया संपन्न होती है अथवा क्रिया को करने में मदद मिलती है, अथवा क्रिया को करने में मदद मिलती है। आपको मदद मिलती है ना, पेन या पेंसिल से आप नोटबुक में वर्क करोगे तो मदद मिलेगी आपको, तो वही है ये। ऐसे साधन, कैसे साधन? जिनसे अपनी क्रिया कार्य को करने में क्या मिलती हो? सहायता मिलती हो, ऐसे साधन। अब देखो ऐसे साधन को क्या कहते हैं? साधन को करण कारक कहते हैं। ऐसे साधनों को क्या कहा जाता है? करण कारक कहा जाता है। अब करण कारक का कौन सा चिन्ह है? आप लोग, मैंने टेबल करवाई थी थर्ड चैप्टर में, उसमें देखा था आपने, कौन सा चिन्ह है बताओ? कौन सा चिन्ह है बताओ? से या के द्वारा। किसके द्वारा? से या के द्वारा। अब देखो आप, करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। करण कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह देखो कौन सा है? इसका चिन्ह है से या के द्वारा। आपने सिक्स क्लास में पढ़ा होगा, कारक के भेद लिखवाए होंगे आपको, ठीक है। कारक के भेद लिखवाए होंगे, कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे हरे। तो ये कारक के जो चिन्ह है वो कौन से हैं? तृतीय विभक्ति का कारक का चिन्ह कौन सा है? से या के, ठीक है। आपको दिख रहा है, देखो ये से या के, सॉरी से या के द्वारा दिख रहा है आपको, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखी है ब्लैक से, ठीक है। इसको कौन, ये कारक चिन्ह है। अब देखो आप उदाहरण देखो, आपको इतना सब कुछ नहीं देखना है, ओनली फॉर उदाहरण देखना है और उसमें ये समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। वयम कंदुकेन क्रीडामः, क्या है? वयम कंदुकेनम केन क्रीडामः। वयम का अर्थ होता है हम सब। कंदुकेन का अर्थ क्या होता है? गेंद। कंदुकेन का अर्थ क्या होता है? गेंद। क्रीडामः, क्रीडामः का अर्थ होता है खेलते हैं।
क्रीड़ा में है का अर्थ क्या होता है, खेलते हैं। क्रीड़ा में का अर्थ क्या हुआ, खेलते हैं। तो इसका आगे अर्थ देखो, हम सब गेंद खेलते हैं। अब आपको खेलने में किसकी सहायता मिल रही है, देखो आप खुद बता सकते हो किसकी सहायता से खेल रहे हो आप, गेंद की सहायता से। किसकी सहायता से खेल रहे हो आप, इधर देखो, गेंद की सहायता से। जो मैंने बॉक्स के अंदर बंद कर रखा है शब्द कौन सा है, कंदुकेन। कौन सा शब्द है ये, कंदुकेन। तो आपको क्रिया को यानी कि कार्य को पूरा करने में कौन सहायता प्रदान कर रहा है, गेंद। तो गेंद में कौन सी विभक्ति आएगी, तृतीया। तृतीया में क्या आएगा, कंदुकेन। ठीक है, अब देखो यहाँ कंदुक है शब्द क्रीडाम से, क्रीडाम क्रिया से, क्रिया में सबसे अधिक सहायक है, नहीं है या नहीं है। अगर आप बॉल ही आपके पास नहीं होगी तो आप गेंद किससे खेलोगे बताओ, अगर आपके पास गेंद ही नहीं है तो आप किससे खेल लोगे। तो उस खेलने में क्या सहायता दे रही है, कंदुक है। कंदुक है इधर देखो, जो ये कंदुक है ये गेंद है, यहाँ खेलने में कौन सहायक है, कंदुक है। तो कंदुक है का अर्थ होता है गेंद, क्रिया में सबसे अधिक सहायक होती है। जो आप कार्य कर रहे हो ना उसमें सबसे अधिक सहायक क्या है, गेंद है। ठीक है, अतः करण कारक और उसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। आपको इतना सब कुछ जिसमें ये दे रखा है ना, इतना बड़ा ये आपको नहीं करना है, आपको तो बस ये उदाहरण देखना है और उदाहरण में देखना है कि कौन सी विभक्ति है और कौन सा कारक है। ठीक है, आपको इन सब से इतना वो नहीं है, बस आपको तो पढ़ना है भाई, आपको समझाने के लिए दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि आप जिस भी कार्य को पूरा कर रहे हो और उस कार्य को पूरा करने में आपकी जो सहायता कर रहा है वो क्या है, करण कारक है। और करण कारक यानी कि खेलने में किसकी सहायता ली जा रही है, गेंद की। तो गेंद में कौन सा कारक हुआ, करण कारक, कंदुकेन। ठीक है, हो गया ये। अब देखो जो नीचे रंगीन शब्द दिए गए हैं, कौन से शब्द दिए गए हैं, रंगीन शब्द दिए गए हैं, ये देखो इनमें कौन सा कारक है, करण कारक। कौन सा कारक है, करण कारक। माला कार है, जलेन वृक्षान सिंचती। माला कार है, जलेन वृक्षान सिंचती। माला कार है, माला कार का अर्थ क्या है, माली। जलेन, जलेन का अर्थ है जल से, पानी से। वृक्षान, वृक्षों को। सिंचती, सींचता है। अब देखो माली वृक्षों को किससे सींचता है, आपको भी पता है किससे सींचते हो आप पौधों को, पेड़ों को, पानी से सींचते हो। तो जो पानी है वो आपके पेड़ों को सींचने में सहायता प्रदान कर रहा है ना, कर रहा है नहीं कर रहा, हाँ कर रहा है। तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया विभक्ति। देखो माला कार है जलेन, जो जलेन है इसमें कौन सी विभक्ति है, तृतीया। वृक्षान पेड़ों को सिंचती सींचता है, माली जल से वृक्षों को सींचता है। ये देखो आप, माली जल से वृक्षों को सींचता है, ये देखो सींचता है, सींच रहा है ना, किससे सींच रहा है, जल से। तो क्या कौन सहायता प्रदान कर रहा है, जल सहायता प्रदान कर रहा है कार्य को पूरा, यानी कि पेड़ों को मिट्टी से तो सींच नहीं सकता। सींच सकते हो आप लोग पौधों में, आपने घर में गमलों में जो पेड़ लगा रखे हैं उनको आप किससे सींचते हो, पानी डालते हो ना, तभी तो बड़े होते हैं वो, हाँ। तो इसीलिए वो पेड़ों से सींचता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका राम है, जनकेन सह आपणम गच्छति। राम है, राम है का अर्थ है राम। जनकेन, जनकेन का अर्थ है पिता के साथ। जनकेन, जनकेन का अर्थ है पिता। सह का अर्थ है साथ। आपणम, आपणम का अर्थ क्या होता है, वैसे तो देखो मैंने अब तक पढ़ा है उसमें आपणम का अर्थ दुकान होता है, लेकिन आपकी बुक में कुछ ही ये प्रिंट कर रखा है। अब देखो लास्ट जो सर ने पढ़ाया वो भी यही रखा, लेकिन मैं इसको आपणम और कोष्टक में हार्ट लिख दूंगी आपको। ठीक है, क्या लिख दूंगी, हार्ट। जब मैं आपको PDF सेंड करूंगी उसमें क्या लिखूंगी, हार्ट। हाटम का अर्थ होता है बाजार और आपणम का अर्थ क्या होता है, दुकान। गच्छति,
गच्छति का अर्थ है जाता है, सॉरी गच्छति का अर्थ क्या होता है, जाता है, और आपणम का अर्थ होता है दुकान। राम पिता के साथ दुकान पर जाता है, राम पिता के साथ दुकान पर जाता है। तो बाजार जाने में राम किसकी सहायता ले रहा है, उसके पिताजी की, सॉरी दुकान पर जाने के लिए किसकी सहायता ले रहा है, पिताजी की। तो आपको बाजार की जगह क्या करना है, दुकान। क्या करना आपको बाजार की जगह, दुकान। ठीक है, मैं आपको दुकान जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी उसमें आपको दुकान कर दूंगी। ठीक है, राम पिता के साथ दुकान पर जाता है, तो साथ जाने के लिए किसकी सहायता ली जा रही है राम के द्वारा, उसके पिताजी की। तो पिता में कौन सी व्यक्ति हो गई, तृतीया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट उदाहरण। छात्रः दंडेन व्यायामं कुर्वन्ति। दंडेन, दंडेन का अर्थ होता है डंडे से। छात्र है छात्र, दंडेन डंडे से व्यायाम कुर्वन्ती करते हैं। छात्र डंडे से व्यायाम करते हैं। अब व्यायाम करने में किसकी सहायता ली जा रही है, आप बताओ, डंडे की ली जा रही है ना, तो कौन सा कारक है इसमें, करण कारक। और अब देखो आप इसका उदाहरण, छात्र डंडे से व्यायाम करता है, अब इसको हटा दो, किसको, डंडे को हटा दो। ठीक है, ये मैंने ये क्रॉस कर दिया इसको। तो अब देखो छात्र व्यायाम करते हैं, तो किससे व्यायाम करते हैं, कोई सहायता दी जा रही है इनको, नहीं दी जा रही ना। और अब देखो इसको हटा दिया, डंडे को ऐड कर दिया इसमें, यानी कि जोड़ दिया, तो क्या आ रहा है, छात्र डंडे से व्यायाम करते हैं, सहायता मिल रही है इनको डंडे की। ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया ये। वयम तड़ाग जलेन स्नानम कुर्वन्ति। अब देखो आप, वयम का अर्थ होता है हम सब, तड़ाग जलेन, तड़ाग जलेन का अर्थ होता है तालाब के जल से, स्नानम, स्नानम का अर्थ होता है स्नान, कुरवा में है। अब देखो कुरवा में है का अर्थ है करते हैं, कुरवा में है का अर्थ क्या है, करते हैं, कुरवा में का अर्थ क्या है, करते हैं। अब आप ये देखो फैक्ट उदाहरण है, हम सब जल से स्नान, सॉरी हम सब तालाब में जल से स्नान करते हैं। अब देखो आप तालाब में जाते हो, अगर तालाब में आप जाते हो और जाने के बाद आपको वहाँ पर जल नहीं मिले, क्या नहीं मिले, जल नहीं मिले, तो आप किससे स्नान करोगे, बताओ किससे स्नान करोगे, मिट्टी से, नहीं मिट्टी से करोगे क्या स्नान, नहीं कर सकते, क्योंकि हमें किसकी सहायता मिल रही है, जल की। तो जल में कौन सी विभक्ति आई, तृतीया विभक्ति, सॉरी उसमें तड़ाग जलेन, यानी कि आप तालाब में जाओगे और पानी नहीं है तो आप किससे स्नान करोगे, कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो इसमें कौन सी विभक्ति हुई, तृतीया विभक्ति। वयम का अर्थ होता है हम सब, तड़ाग जलेन का अर्थ है तालाब के जल में, स्नानम का अर्थ है स्नान, कुरवा में का अर्थ है करते हैं, हम सब तालाब के जल से स्नान करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो, अहम हस्तेन लिखामि स्पर्शामि। अहम, अहम का अर्थ होता है मैं, अहम का अर्थ क्या होता है, मैं। हस्तेन, हस्तेन का अर्थ होता है हाथ से, लिखामि लिखता, स्पर्शामि वे स्पर्श करता हूँ, यानी कि अहम का अर्थ है मैं, हस्तेन का अर्थ है हाथ से, लिखामि का अर्थ है लिखता, स्पर्शामि का अर्थ है स्पर्श, च का अर्थ है और, कुरवा में है, कुरवा में है का अर्थ होता है करता हूँ, इसमें देखो आपकी बुक में ये भी ठीक से नहीं लिखा गया। तो मैं हाथ से, इसका अर्थ देखो आगे, अहम का अर्थ होता है मैं, हस्तेन का अर्थ होता है हाथ से, लिखामि का अर्थ है लिखना, स्पर्शामि का अर्थ है स्पर्श, च का अर्थ है और, मैं हाथ से लिखता व स्पर्श करता हूँ, मैं हाथ से लिखता व स्पर्श करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो गया। ओके, और जो आपको ये जो
उदाहरण है, इनको आपको रीडिंग करना है।